के बावजूद हादसे थमने का नाम नहीं लेते हैं। यूपी में आज दो रेलगाड़ियां डिरेल हो गई हैं। दरअसल आपको बताते चले, सहारनपुर में रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए, तो वहीं मेरठ में सिटी स्टेशन के यार्ड में पार्सल ट्रेन के एक डिब्बे के चार पहिए ट्रक से उतर गए हैं, जिसकी वजह से कई रूटों की जो ट्रेन है वो भी प्रभावित हुई है। रिपोर्ट के माध्यम से आपको पूरा मामला दिखाएंगे। यूपी में फिर हुआ ट्रेन हादसा। सहारनपुर में डेरेल हुई मालगाड़ी। मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतरे। रेलवे में मची अफरा तफरी। मेरठ में पार्सल ट्रेन हुई डेरेल। रेल हादसों की रोकथाम को लेकर भले ही सरकार तमाम दावे करे, पर असल में इसकी हकीकत सामने आ रही है। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पंजाब के गुरहर सराय से मेरठ के बामहेड़ी की ओर जा रही मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी में अनाज भरा हुआ था। ट्रेन डिरेल होते ही अनाज इधर उधर बिखर गया। राहत की बात रही कि जानमाल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हादसे से रेलवे अधिकारियों में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बेपटरी डिब्बों के उतारने के कारण की जांच शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के लिए अलग से बनाई गई पटरी पर हादसा हुआ है, जो 7 नंबर लाइन से टपरी की ओर जा रही थी। दिल्ली के CWC में जा रहा था। इसका 29वां और 30वां वैगन इंजन से 8-8 व्हील से डिरेल हुआ है। ये डिरेलमेंट करीब रिपोर्ट हुआ था 7 बजे और 11:05 हम लोगों ने डिरेलमेंट कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर अंबाला DRM मनदीप सिंह सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए टीम गठित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मालगाड़ी की गति और पटरी की स्थिति की लगातार जांच हो रही है। वजह हम लोगों ने जे ग्रेड इंक्वायरीज के लिए नियुक्त की है। फ्रेम फेसाई इसमें व्हील डिफेक्ट लग रहा है, वो मेन जांच का विषय है। जैसे जांच पूरी होगी आपको हर हादसे की जो स्टेचुरी इंक्वायरी है उस तरह से की जाती है और जो भी उसमें जिम्मेदार पाया जाता है उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाती है। यूपी के मेरठ में रेल हादसे की दूसरी तस्वीर सामने आई, जहां सिटी रेलवे स्टेशन के यार्ड में पार्सल ट्रेन का एक डिब्बा डिरेल हो गया। पार्सल ट्रेन मिर्जापुर से आज सुबह सिटी स्टेशन आकर रुकी थी, इसके लिए सेंटिंग की जा रही थी। सेंटिंग के दौरान पार्सल ट्रेन के दूसरे डिब्बे के चार पहिए ट्रैक से नीचे उतर गए। इसके बाद मुजफ्फरनगर से आ रही उत्कल एक्सप्रेस को कैंट स्टेशन पर रोक दिया गया। ट्रेन डिरेल होने से जनशताब्दी, अंबाला एक्सप्रेस, इलाहाबाद से आ रही नौचंदी एक्सप्रेस प्रभावित हुई। घटना के बाद रेलवे की टीम व्यवस्था को बहाल करने में जुटी हुई है। राहत की बात रही कि दोनों हादसों में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ, पर लगातार दुर्घटनाओं में एक बार फिर रेलवे की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि घटना छोटी ही सही, पर ऐसी लापरवाही पर कब और कैसे लगाम लगेगी। टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं आग की घटनाओं